आपके पास शॉर्ट में मिलेगा कोट? शॉर्ट में नहीं, इस टाइप से नहीं, थोड़ा अलग ब्रांडेड है, इस टाइप नहीं, कलर एकदम नंबर एक का है, डालो इसको। और ये चला रहे हैं गाड़ी, हाय हाय बोलो, तो इनको ड्राइविंग पे ध्यान देने दो और हम करते हैं बातें थोड़ी सी, उसके बाद फिर मैं आपको ले चल रही हूँ सरोजनी नगर मार्केट। और ये मार्केट इंडिया की चीपेस्ट मार्केट में से एक है, जहाँ पे बहुत सारे सस्ते सस्ते कपड़े मिलते हैं, और पहले सारी चीजें सस्ती मिलती हैं, जेंट्स की कम, लेडीज की ज्यादा मिलती हैं, बच्चों की भी कम ही मिलती हैं, और पहले बहुत ज्यादा चीप मिलते थे। अभी मुझे कोरोना के बाद से, तो मैं अभी जा रही हूँ, लेकिन अभी फिर भी महंगे मिलने लगी हैं। पर एक बात है, वहाँ पे आपको कपड़े चूज करने पड़ेंगे, अच्छे से देखने पड़ते हैं कि अच्छा है या नहीं है, और बार्गेनिंग तो वहाँ करनी ही पड़ती है। मतलब अगर कोई सरोजनी नगर मार्केट जाए और बार्गेनिंग ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन मुझे लग नहीं रहा मैं कर पाऊंगी, क्योंकि जनाब मेरे साथ जा रहे हैं और इनको बार्गेनिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बहुत गुस्सा करते हैं, बोलते हैं कि इसलिए आती हूँ कि मेरे साथ ये वो, बट इनको कौन समझाए यार, ऐसे कौन करता है ना। तो चलिए चलते हैं और आपसे मिलते हैं आगे। बस अब हम सफर में आपके साथ नहीं रहेंगे, डायरेक्ट आपसे मिलेंगे सरोजनी नगर मार्केट में। हेलो गाइस, हम आ चुके हैं मार्केट में और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब खुशी पता नहीं कब तक रहेगी, अगर अच्छी अच्छी चीजें मिल जाएंगी तो मैं खुश रहूंगी, वरना पता नहीं। और पार्किंग के लिए बड़ी मुश्किल से जगह मिली है हमको। अब हम लगा तो आए हैं, पर कहीं अगर ये टाव ना हो जाए, नहीं तो हाँ। पार्किंग क्या, बहुत पैसे लग जाएंगे। तो गाइस देख सकते हो आप, यहाँ पे जेंट्स के कपड़े लगे हुए हैं और आपको यहाँ से चूज करने पड़ते हैं, बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है, बट सबसे मेन बात है कि यहाँ से आपकी पसंद की अच्छे चूज करने पड़ते हैं आपको कपड़े। तो कभी कभी आपको अच्छे भी मिल सकते हैं, कभी कभी आपको बकवास भी मिल सकते हैं। और यहाँ पे सबसे फर्स्ट में इन्होंने बोला मार्केट जाओगी तो मास्क तो जरूर लेके आने हैं। तो ये यहाँ मैं मास्क वाले भैया से पूछ रही हूँ कि कितने का दिया है मास्क, तो वो बोल रहे 30 रुपये ईच। तो मैं बोल रही थी कि चलो अंदर से अंदर और भी देखते हैं, क्या पता सस्ते भी मिल जाएँ और अच्छी भी डिजाइन में मिल जाएँ। तो ये बोल रहे थे ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं अंदर, यहाँ से हमने एंट्री कर ली है अंदर की ओर, और दिन बढ़ता जाएगा वैसे ही भीड़ बढ़ती जाएगी, और अभी इतना ज़्यादा रस नहीं है, और लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाता है टाइम टू टाइम। और यहाँ पे देखो सर्दियों वाली स्लीपर मिल रही हैं, तो मैं भैया से पूछ रही थी कितने रुपए की हैं, तो वहाँ पे तो सेल लगी हुई थी, सेल में 1 रुपये भी कम नहीं होता है। और यहाँ पे शूज 350 रुपीज़ का पेयर मिल रहे हैं, कोई भी ले सकते हो आप। और यहाँ पर गर्ल्स कोट मिल रहे हैं 200 रुपीज़ के। और यहाँ पे हम आ गए हैं बेडशीट वाली शॉप पे, तो काफ़ी बड़ी शॉप थी, तो एक बार मैं यहाँ से लेके गई थी बेडशीट, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे चलती हूँ और लेके चलते हैं। तो जनाब और हम गए हैं बेडशीट लेने के लिए। लेकिन यहाँ ऐसा है सरोजनी नगर में, आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको ऑल साइज के बेडशीट्स मिल जाते हैं। अगर आप नॉर्मल सदर या नॉर्मल मार्केट में जाओगे ना, तो आपको एक्चुअल जो साइज आपको चाहिए ना, जैसे आजकल क्या है गद्दे थोड़ा चौड़े मोटे आते हैं, तो आपको थोड़ा पूरा फुल साइज नहीं मिलता है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट साइजिंग मिलती है, तो वहाँ जाने से ये जरूर फायदा हो जाता है। और हमने क्या क्या लिया है वो आपको मतलब हम बताएंगे बाद में लास्ट में, तो अब आप हमारे साथ बने रहिएगा। और देखो मैं यहाँ अपनी दीवान के लिए चद्दर ले रही हूँ, क्या है ये
350 के कॉटन वाले एक्चुअली मैं लेके जा चुकी थी लॉन्ग स्कर्ट है ये तो मैं लेके गई थी 250 का लेकिन अब भी 200 का मिल रहा है तो ले लो लेना तो तो आप ना यहाँ से ले सकते हो आइए 200 रुपए आपको लेकिन इसमें चूज करना होगा वहाँ कितनी अच्छी है 300 सेल शर्ट शर्ट जेंट्स का 250 देखो ये कॉस्मेटिक्स और ये ओनली 50 रुपीज बट ये ओरिजिनल नहीं है ये यहाँ पे शोरूम भी है क्या सही है अरे यार मुझे वो लेने हैं 1 सेकंड ये 200 रुपीज में आपको जेंट्स की मिल जाएंगी जर्सी टाइप तो यहाँ मैं अपने लिए सर्दियों वाले लोअर ले रही हूँ और मैंने सोचा था कि वो सामने 100 रुपीज का बोर्ड लगा हुआ है जैसे कि आपने देखा होगा तो ये 100 रुपीज के हैं लेकिन ये 200 के थे उधर अलग से लोअर लगे हुए थे वो 100 रुपीज के थे तो ये सर्दियों वाले थे बट कुछ काफ़ी बड़े थे कुछ मुझे छोटे आ रहे थे जो मुझे प्रिंटेड चाहिए थे और इनका कपड़ा काफ़ी थिन था पतला था तो मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने सोचा चलो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे सर्दियों वाले स्वेट कोट तो बहुत ही ज़्यादा और यहाँ पे मैं देख रही हूँ समीज भैया 60 रुपीज ईच दे रहे हैं मतलब तो मैं उनसे बोल रही भैया 50 लगा लो बोल रहे कि नहीं मैडम बट वो हमेशा से 60 की ही मिलती है लेकिन इतनी अच्छी निकलती है यहाँ की बहुत ज़्यादा अच्छी मतलब फैलती वैलती नहीं है इधर उधर और जो यहाँ हमारे यहाँ सदर है ना गुड़गांव में उससे भी अच्छी क्वालिटी की इधर मिलती है और यहाँ 100 रुपीज़ की मिलती है इधर 60 रुपीज़ की ही मिलती है बट बहुत पतला है ना थिन है पतला नहीं मैडम एकदम गरम है ये मोटा ही नहीं होता कुछ एकदम पिछली बार लेके गई थी थोड़ा सा मोटा था अरे एकदम मैडम फुल वॉर्म है ये एकदम और डार्क कलर है ये सारे डार्क कलर है सारे कितना प्राइस है ये देखो ये आप आ सकते हो यहाँ पर ये शॉप है लेकिन सारे पीसेस बहुत सही हैं 150 ये जो येलो टॉप है वो 150 और ये इधर भी शायद 150 या 200 का ही होगा आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है ये टैटू भी बनवा सकते हैं आप यहाँ पे ये टैटू शॉप भी है यहाँ पे आप टैटू भी बनवा सकते हैं ये पता है ये हाफ 150 है अच्छा और फुल इधर इधर छोड़ दे रहे ये 150 के हैं जितने भी हाफ हैं ये फुल ये सारे है ना फुल कम है फुल अच्छा फुल उधर लगेंगे ये सारे 150 के हैं और जो फुल स्लीव्स हैं वो 200 के हैं और यहाँ आप टैटू भी बनवा सकते हैं अगर आप कभी आए तो जो मैंने देखा आपको ये CSC है उसके आसपास है शॉप नंबर मुझे नहीं पता है शॉप नंबर है 118 तो आप कभी आए तो यहाँ से ले सकते हैं प्योर कॉटन है ये सारी टी शर्ट और ये ट्रैक सूट भी रखते हैं भैया 1150 बार्गेनिंग हो जाएगी कम हो जाएगा ना फिक्स प्राइस है और ये सारे बहुत सही सही ट्रैक सूट 10% डिस्काउंट पड़ेगा उस ट्रैक सूट पे 10% डिस्काउंट तो आपको वो अप्रोक्स 1000 का पड़ेगा और ये अपर है 750 का ये अपर है 750 का ये जैकेट टाइप का जो होता है ना ट्रैक सूट का इनको ये ब्लैक लगना है लविंग मी उससे अच्छा तो ये वाला है हाँ मीडियम है क्या लार्ज ये लार्ज है तो मीडियम होगा इसमें और इसमें है तो मीडियम शायद ये नहीं है इनके यहाँ पे बस साइज का इशू हो रहा है मैडम के साथ मुझे वो येलो टैटू बनाने की जिद चढ़ा हुआ है टैटू टैटू हाँ वो आपको पकड़ने बातें पकड़ने की आदत है क्या इधर भी और लक्ष्य इधर भी देखो मुंह फुला के बैठा हुआ है चलो बेबी अभी
क्यों रूठे हो? आपको टैटू बनवाना है? कहाँ पे बनवाना है? क्या बनवाना है? शेरवाड़ा। शेरवाड़ा। क्या करोगे? पहले खुद तो शेर बन जाओ। चलो बेबी, ऐसे नहीं करते जेत। कम ऑन लक्ष्य, कम ऑन बेबी। चलो मैंने यहाँ से ले लिया एक। चलो अभी चलते हैं। यहाँ बुलन क्लॉथ भी लगे हुए। ये 100 रुपीज में आपको मिल जाएंगे इधर, लेकिन आपको चूज करना पड़ेगा इनमें से। और ये लाइन जो आप देख रहे हो सरोजनी नगर की फेमस लाइन है, और इसमें एक से एक बढ़कर आपको श्रग कोट मिल जाएंगे। और यहाँ पे सिर्फ व्हाइट वाली शर्ट्स का कलेक्शन था और ओनली 350 रुपीज की। और भैया बोल रहे थे कि वो बार्गेनिंग भी हो जाएगी, मतलब वो कम कर लेंगे। और आप देख सकते हो यहाँ अलग अलग टाइप की शर्ट्स थी, बट गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छा कलेक्शन, बहुत अच्छा कलेक्शन मिल जाता है। और ऑफिस वाली लड़कियाँ यहीं से, दिल्ली में जितनी भी लड़कियाँ रहती हैं आसपास, तो यहीं से शॉपिंग करने जाती हैं। ऑफिस वाली लड़कियाँ तो बहुत ज़्यादा ही जाती हैं, क्योंकि वो डेली ऑफिस जाती हैं और अलग अलग शर्ट्स या अलग अलग ड्रेसेस पहन के जाती हैं और यहाँ से भर भर के ले आती हैं, क्योंकि सस्ते मिलते हैं इधर। और ये आप कोट वगैरह देख रहे हो ना, लॉन्ग में बहुत ज़्यादा थे, स्ट्रक टाइप के भी थे बहुत ज़्यादा, तो यहाँ बहुत ज़्यादा वेराइटी इसमें मिल जाती हैं आपको। 400 का तो भैया बोलते हैं, 400, 500, 600, 700 तक बोलते हैं, बट वो सस्ता दे देते हैं, 300, 400, कभी कभी 200 में भी दे देते हैं, जैसी जिसको मतलब पड़ जाता है वैसे वो दे देते हैं अपने हिसाब से, जितने जितनी क्वालिटी है, बार्गेनिंग करवाने की जितना हो तो वो कर देते हैं अच्छे से। आप देख सकते हो अलग अलग कलर के लगे हुए थे, बट मुझे तो नहीं चाहिए थे ये, लॉन्ग में मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। और कलरफुल थे बहुत, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग शॉपिंग करने आते हैं यार। देख सकते हो यहाँ पे प्लाजो टंगे हुए हैं, इधर गरारा सरारा सारे टंगे हुए हैं। मैं भैया से यहाँ पूछ रही थी ये कोट कितने का, भैया बोल रहे थे 400 का, तो मैं बोल रही थी कि फिक्स है क्या कि नहीं कम कर लेंगे मैडम, तो मैं अच्छा ठीक है, तो बट मुझे इसमें नहीं चाहिए था, मुझे शॉर्ट में चाहिए था, और वो भी थोड़ा शॉर्ट में चाहिए था किसी और के लिए, मुझे किसी ने बोला था तो उसके लिए चाहिए था, बट ये कलर मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन एक बात है यहाँ, आप चाहो कि कलर ऑप्शन मिल जाए, एक ही चीज़ में दूसरा कलर मिल जाए, नहीं मिलेगा। अगर एक डिजाइन होगा उसमें एक ही कलर मिलेगा, और साइज की प्रॉब्लम बहुत आती है इधर। कभी कभी चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती है, कभी कभी आप इतने बड़े ठग जाते हो। आपके पास शॉर् ट में मिलेगा कोट? शॉर्ट में नहीं, इस टाइप से नहीं, थोड़ा अलग ब्रांडेड है, इस टाइप नहीं, कलर एकदम नंबर एक का है, डालो इसको। रिक्टर नहीं, मुझे अपने लिए नहीं चाहिए। तब किसके लिए? मुझे किसी और के लिए चाहिए। किसी और के लिए चाहिए, किसी और के लिए वो पता नहीं किसके लिए चाहिए। साइज का मतलब 15 ईयर्स की लड़की है, उसके लिए चाहिए। सही आएगा, सही आएगा, बट कलर वलर मतलब 15 साल 15-16 साल की है, काफी लंबाई है, लंबाई तो मेरे जैसी ही है। ब्लैक में मिल जाएगा तो लॉन्ग नहीं, शॉर्ट चाहिए। आप देख सकते हो कितनी ज्यादा भीड़ है, बट फिर भी मैं तो, हम लोग तो सेफ्टी से गए थे, अपनी सेफ्टी से मतलब मास्क लगा के एकदम। और तो आज के ब्लॉग की हम यहीं पे एंडिंग करते हैं, आगे आपको पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देखने को जरूर मिलेंगे। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगेगा तो मैं जरूर शेयर करूंगी, और मैंने क्या क्या शॉपिंग की है तो शॉपिंग हॉल भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और शेयर करना ना भूलना। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू।